हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक गेम्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओलंपिक गेम्स किस कंट्री से स्टार्ट हुए, इफ आर्किटेक्ट कौन है ओलंपिक्स का, मॉडर्न ओलंपिक्स की भी बात करेंगे, एंशिएंट ओलंपिक्स की बात करेंगे। इसके अलावा ओलंपिक गेम्स का जो सिंबल है, जो फाइव रिंग्स हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। काफी ब्रीफ में एक वीडियो है, शॉर्ट में वीडियो, जिसमें ओलंपिक की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ डिटेल्स हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं, वो सारी चीजें हम आज डिस्कस करने। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स हैं, क्योंकि ओलंपिक गेम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एंशिएंट ओलंपिक गेम्स और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। लेकिन अगर हम बात करें एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के बारे में, तो उसके बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मिलती है, लेकिन जितना इंफॉर्मेशन मिलती है उससे ये पता चलता है कि ओलंपिक गेम्स जो है एक रिलीजियस फेस्टिवल हुआ करता था। ये जो रिलीजियस फेस्टिवल है, ये ग्रीस में मनाया जाता था, और ये किसके ऑनर में मनाया जाता था, ज्यूस के ऑनर में मनाया जाता। ज्यूस कौन थे? ज्यूस फादर ऑफ ग्रीक गॉड्स एंड गॉडेस थे। तो ग्रीक गॉड्स एंड गॉडेस के फादर ज्यूस थे, उनके ऑनर में ये रिलीजियस फेस्टिवल मनाया जाता था एंशियंट ग्रीस में। ये जो लोकेशन है जहां पर ये फेस्टिवल मनाया जाता था ओलंपिक गेम्स, ये लोकेशन थी ओलंपिया। ओलंपिया एक रूरल सेंचुरी थी ग्रीस में, वहां पर ये मनाया जाता था। और लोकेशन का नाम जो ओलंपिया था, वो माउंट ओलंपस, जो मेनलैंड ग्रीस का हाईएस्ट माउंटेन है, उनके नाम से ये सेंचुरी का नाम पड़ा है ओलंपिया, ये माउंट ओलंपस के नाम से। और माउंट ओलंपस सेम वैसा ही है जैसे माउंट कैलाश। माउंट कैलाश में भगवान शिव जो है उनका घर कहा जाता है, होम ऑफ शिव। सेम उसी तरीके से जो माउंट ओलंपस है, ग्रीक गॉड्स एंड गॉडेस, ग्रेटेस्ट गॉड्स एंड गॉडेस हैं ग्रीस के, उनका होम वहां पर माना जाता था माउंट ओलंपस में। और उसी माउंट ओलंपस की वजह से उस साइट का नाम ओलंपिया पड़ा था। जो जियोस हैं, उनके ऑनर में ये जो ओलंपिक गेम्स हैं वो मनाए जाते हैं। ये एंशियंट जो ओलंपिक गेम्स हैं, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब से स्टार्ट हुआ था? 776 BC में। बहुत पुरानी बात है, 776 BC से मनाया जाता था। डिफरेंट डिफरेंट गेम्स थे उस टाइम के, आज के गेम तो मॉडर्न ओलंपिक्स के बिल्कुल डिफरेंट हो गए। 93 AD तक मनाया गया, उसके बाद बंद कर दिया गया। तो काफी लंबे टाइम तक, लगभग 1000 साल के करीब जो है ओलंपिक गेम्स मनाए गए। ठीक है, जो जियोस हैं उनके ऑनर में, उसके बाद ये बंद हो गए थे ओलंपिक गेम्स। तो ये तो बात थी एंशियंट ओलंपिक की। फिर उसके बाद, क्योंकि एंशियंट ओलंपिक गेम्स उसके बाद बंद हो गए, तो मॉडर्न ओलंपिक्स की अगर हम बात करें, तो मॉडर्न ओलंपिक्स देखिए 4 साल के ड्यूरेशन में खेला जाता है मॉडर्न ओलंपिक्स। और जैसे अगर हम बोलें कि 2020 का टोक्यो ओलंपिक है, तो फिर 2020 का टोक्यो ओलंपिक 1 साल कोविड की वजह से पोस्टपोन हुआ 2021, वरना ओलंपिक 4-4 साल में खेले जाते हैं। जैसे 2020 में टोक्यो ओलंपिक, फिर 2024 में होगा, फिर 2028 में होगा। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि विंटर ओलंपिक्स भी चलते हैं ऑल्टरनेट 2-2 साल में। मतलब तो अगर 2020 में समर ओलंपिक्स हैं, तो 2022 में विंटर ओलंपिक्स, तो 2-2 साल के बाद पहले समर ओलंपिक्स, 2 साल के बाद विंटर ओलंपिक्स, फिर 2 साल के बाद समर ओलंपिक्स, फिर 2 साल के बाद विंटर ओलंपिक्स। तो अगर समर ओलंपिक्स से समर ओलंपिक्स देखें तो 4 साल का गैप है, विंटर ओलंपिक्स टू विंटर ओलंपिक्स देखें तो भी 4 साल का गैप है। ठीक है, तो एक तो ड्यूरेशन एग्जाम में आया कि नॉर्मली बच्चे को पता रहता है कि ओलंपिक गेम्स 4-4 साल में होते हैं। ठीक है, ओलंपिक गेम्स होते हैं, उसके बाद पैरालंपिक भी होते हैं। जैसे टोक्यो ओलंपिक्स है, तो उसके तुरंत बाद पैरालंपिक क्या होता है, जो हैंडीकैप लोग होते हैं उनके लिए होता है पैरालंपिक हमेशा। 2022 में जैसे विंटर ओलंपिक्स, ठीक है, एक तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि ओलंपिक कितने कितने साल के बाद होते हैं। अब अगर हम बात करें कि ओलंपिक गेम्स के चीफ अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। इसके अलावा आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे इक्वेशंस आईएएस ऐप में भी मिलेंगे। हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, और उसमें आपको बहुत सारे फ्री वीडियोस मिलेंगे और बहुत सारे पेड कोर्सेज भी, आप उसमें टैप कर सकते हैं, तो भी आपके बैक आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा चल रहा था ओलंपिक्स। ठीक है, तो मॉडर्न ओलंपिक्स की बात करें, मॉडर्न ओलंपिक्स जब स्टार्ट हुआ तो बैरोन पियरे डी कॉबर्टिन, एक फ्रेंच जो है, फ्रेंच सिटीजन है, उन्होंने काफी एफर्ट्स लगाए कि दोबारा से ओलंपिक होने चाहिए, दोबारा से ओलंपिक होने चाहिए। तो उनकी ही मेहनत का रिजल्ट था
बैरोन पियरेडी कोबर्टिन, एक तो ये आपको नाम पता होना चाहिए क्योंकि मॉडर्न ओलंपिक्स की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है बैरोन पियरेडी कोबर्टिन। अलग अलग एग्जाम में भी आया है कि चीफ आर्किटेक्ट कौन है मॉडर्न ओलंपिक। एंशिएंट ओलंपिक तो देखिए उस समय चला था, फिर उसके बाद बंद हो गया था। मॉडर्न ओलंपिक के चीफ आर्किटेक्ट के अलावा इन्हीं के एफर्ट से 1894, टाइम पता होना चाहिए, इन्हीं के एफर्ट से ओलंपिक कमेटी बनी थी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894, और फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक जो है 1896 एथेंस में, ग्रीस में ही खेले गए थे एथेंस में। ठीक है, तो पहले मॉडर्न ओलंपिक हमारे, ये सारे टाइम ड्यूरेशन लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, अलग अलग एग्जाम में अनगिनत बार आ चुके। तो पहले मॉडर्न ओलंपिक 1896 में खेले गए थे, इसके अलावा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में बनी। हेडक्वार्टर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का लौसाने स्विट्जरलैंड है, लौसाने स्विट्जरलैंड, या नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। पर ये बेसिकली विजन क्या था कि ओलंपिक खेलना है, देखिए स्पोर्ट्स जो है लोगों को यूनाइट करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें बेटर वर्ल्ड चाहिए, ठीक है, या बेटर कंट्री चाहिए, तो या बेटर ह्यूमन बीइंग चाहिए, तो स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्पोर्ट्स जो है टेरिटरीज को, लोगों को, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को यूनाइट करता है स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स जो है एक बाइंडिंग फोर्स होता है, ये एक विजन है ओलंपिक का, ठीक है। उसके अलावा ओलंपिक में आपने देखा होगा जो सिंबल है, फाइव रिंग्स है, अलग अलग कलर की ये फाइव रिंग्स है, बैकग्राउंड जो है व्हाइट रहता है, फाइव रिंग्स है। पर इन फाइव रिंग्स का मीनिंग क्या है? अच्छा, ये जो फाइव रिंग्स है, एक तो टाइम ड्यूरेशन 1913 में बैरोन पियरेडी कोबर्टिन जो कि चीफ आर्किटेक्ट थे ओलंपिक के, मॉडर्न ओलंपिक के, उन्होंने ही सिंबल तैयार करा था। और ये पांच अलग अलग कलर की रिंग है, तो एग्जाम में ये भी आया था कि कौन सा कलर किसको डिनोट करता है। जैसे ब्लू कलर जो है यूरोप को डिनोट करता है, यूरोप को, और जो ब्लैक कलर की रिंग है वो अफ्रीका को डिनोट करता है, क्योंकि सिंबल ऐसा होना चाहिए जो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। तो इसलिए सिंबल जो है इस तरीके से बनाए गए कि कौन सी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। रेड अमेरिका को, चाहे साउथ अमेरिका की बात करें, चाहे नॉर्थ अमेरिका की, येलो एशिया को, एशिया को, ये जो ग्रीन कलर है ये ओशियनिया का मतलब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से है, तो ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को डिनोट करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करा हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स के बारे में। उसके अलावा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में अगर किसी कोई इंडियन, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो केवल एक इंडियन, फर्स्ट इंडियन जो अपॉइंट हुआ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में, ये अगर हम बात करें तो वो नीता अंबानी है, इंटरनेशनल फर्स्ट इंडियन वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ज्वाइन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, नीता अंबानी, ये अलग अलग एग्जाम में आया है। मुकेश अंबानी की वाइफ, ये रिलायंस इंडस्ट्री के जो ओनर है मुकेश अंबानी, उनकी वाइफ नीता अंबानी जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर है। और ओलंपिक कमेटी के मेंबर नॉर्मली 70-80 एज तक रहते हैं वहां पर, उसके बाद ही वो रिटायर होते हैं। इनकी एज अभी 57-58 के अराउंड होगी, तो अराउंड 13 साल तक ये रह सकती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर। करंटली 103 मेंबर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर जो प्रेजेंट में है, नीता अंबानी। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। Thank you, students.